हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सैन स्टडी सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आर आई असिस्टेंट के लिए नेक्स्ट फिफ्टीन डेज की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कैसे आप नाइटी प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्या आपके टारगेट रहने चाहिए नेक्स्ट फिफ्टीन डेज के लिए तो so, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैंने यहाँ पे तीन सेक्शन में डिवाइड किया है सबसे पहला पार्ट आता है इंग्लिश का ठीक है सो so, इंग्लिश में आपको क्या करना है रिवीजन करने है रिविजन ग्रामर रूल्स के करने वो क्या करनी है और डेली रीडिंग आपको नहीं स्किप करनी है डेली रीडिंग आपके जैसे चल रही है की वैसे ही आपको करनी है वो कैप और ग्रामर रूल्स जितने भी अभी तक आपने रीड किए हैं वो सारे आपको रिवाइज करना है उनपे काम करना है ठीक है एक और इंपॉर्टेंट अपडेट सारी वो कैप ग्रामर रूल्स वन वर्ड सब्सिटी फ्रेजेस सारी पीडीएफ सा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे जो ई और आरबी असिस्टेंट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उनको रीड करके जरूर जाना है आपको एग्जाम में टेलीग्राम ग्रुप का नेम है सनसाइन स्टडी बाय कल्पना तो वहां जाके मुझे फॉलो कर लेना और वहीं पर आप सर्च कर सकते हो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इजिली और आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस आपको उसी चीज की ज्यादा करनी है जो आपका वीक पार्ट हो जैसे कि आपका अगर पैरा आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो क्लोज सबसे सॉल्व नहीं होते तो आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो एरर डिटेक्शन अगर आपको नहीं आते ठीक तरीके से रूल इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो क्वेश्चन में तो आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो जो भी आपका वीक पार्ट है आप उस पर ज्यादा ध्यान दो क्योंकि आपकी असिस्टेंट में सारे पार्ट की अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है क्योंकि नाइनटी प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो सारी चीजें आपकी अच्छी तरीके से आनी चाहिए राइट और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ सेक्शन मॉक टेस्ट की तो आपको क्या करना है फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है फुल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो वीक में एक या दो बार बट आपको हर ऑल्टरनेट डेज पर सेक्शन टेस्ट जरूर देना है इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका कितना वीक हो रहा है उसमें कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है और कहां पे काम करने की क्या जरूरत है उसको एनालाइज करो जो भी उससे वीक पार्ट आपको निकल के आता है उस पर चाहे आपकी वो पैराजल हो क्लोज टेस्ट हो या फिर एयर डिटेक्शन हो रीडिंग कॉम्प्रीहशन हो तो उस पर ज्यादा आपको काम करना है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश के पार्ट पे करना है और सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर मार्क्स स्कोर करना है तो ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांट की क्वांट की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए नेक्स्ट फिफ्टी डेज के लिए रिविजन करो टेबल्स ट्रिक्स फॉर्मलेज जितने भी आपने अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हो अर्थमेटिक के फॉर्मलेज कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट किए हो, वो आप वो आप सभी को रिवाइज करना है ठीक है और नेक्स्ट यहां पे आ जाता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस में डीआई पे ज़्यादा ध्यान दो और अर्थमेटिक के पार्ट पे ज्यादा ध्यान दो डीआई और अर्थमेटिक से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है बाकी सिंप्लीफिकेशन कॉर्डिकेशन अप्रॉक्समेशन ये सारे स्टूडेंट करके आते हैं बट डीआई अर्थमैटिक और अगर आपका नंबर सीरीज वीक है तो जितनी प्रीवियस ईयर की नंबर सीरीज है वो सारे आपको सॉल्व कर लेनी है इन फिफ्टी डेज के अंदर अंदर ठीक है तो इस पर ज्यादा फोकस करना यहीं से सिलेक्शन बनता है और यहाँ पे सेक्शन वॉक्टेस इसका भी देना है आपको सेक्शन वॉक्टेस में दो चीजें ज्यादा ध्यान देनी है स्पीड और एक्यूरेसी हर सेक्शन में आपकी बहुत अच्छी स्पीड आ रही हो और बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो उसको जरूर एक बार चेक करो जहां पे आपको नहीं आपको लग रहा है कि वीक पार्ट है ऑर्थोमेटिक में एक्यूरेसी नहीं आ रही है या स्पीड नहीं आ रही है तो उस पर ज्यादा काम करो ठीक है सो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की रीजनिंग में आपको क्या करना है जितनी भी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स आपने बना रखी हैं अपने और सारे चैप्टर्स की चाहे वो अल्फनमेरिक हो या फिर अल्फन सीरीज हो या फिर सिलॉग्स हो इन हो वो सारी ट्रिक्स आपको रिवाइज करते रहना है डेली बेसिस पे और जितने सारे चैप्टर्स होते हैं सिलॉग्स इन और आपके डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन अगर इसमें से भी कोई भी आपका वीक पार्ट है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो इन फिफ्टी डेज में बाकी अगर आपके सारे चैप्टर्स बहुत सही है सभी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है सभी में स्पीड बहुत अच्छी है तो आप एंड सिटिंग अरेंजमेंट पर ज्यादा ध्यान देना इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है लास्ट डेज में क्योंकि यहीं से सिलेक्शन बनता है बाकी सारा पार्ट आपके सारे स्टूडेंट्स करके आते हैं और प्रैक्टिस पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं जितने ज्यादा आप कर सकते हो सारे सेक्शन वाइज मैंने ऑलरेडी आपको फ्री सैम्पल पीडीएफ एक प्रोवाइड किया है डे वन का तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी आप और भी एग्जाम के लिए आगे टारगेट करो तो आप गाइडली का बंडल भी परचेस कर सकते हो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है सारे कोर्सेज जनरल अवेयरनेस इंग्लिश सभी एट्टी प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे एक साल का मॉक टेस्ट मिल जाएगा तो आप उस हिसाब से देख सकते हो अभी रीजनिंग में आप फ्री सैंपल पीडीएफ का यूज कर सकते हो और सेक्शन मॉकटेज आपको देना है अगर आपके पास अभी भी मॉकटे नहीं है सेक्शन मॉकटेस नहीं है फुल मॉकटेस नहीं है तो आप परचेज भी कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कूपन कोड आपको यूज करना है सन ट्वेल्व टेन का ऑफ मिलेगा आपको अगर आप कोई और कूपन यूज करोगे बट ट्वेल्ल का ऑफ मिल जाएगा यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा सन ट्वेल्व यूज करके सन ट्वेल्व यूज करना है कूपन कोड के लिए और यहां से आप मॉकटेज भी परचेज कर सकते हो अगर आपके पास अभी भी सेक्शन मॉटेज नहीं है सो so, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी इस वीडियो को देख सके और लाइक जरूर कर देना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. थैंक फॉर वॉचिंग